इस वीडियो में आप सीखेंगे कि घरों में लगे हुए बिजली के मीटर की रीडिंग किस तरह से देखी जाती है, घरों में लगे हुए बिजली के मीटर कितने तरह के होते हैं, और अगर आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है तो वो कितने किलोवाट का है या फिर कितने किलोवाट का होना चाहिए, ये कैसे पता करें, ये सब आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे, अगर आपके पास आपकी बाइक है या फिर कोई कार है, किसी भी तरह की आपके पास कोई गाड़ी है, तो उसका मीटर किस तरह से देखा जाता है, ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, या फिर आपकी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल में, ये सब आप इस वीडियो में सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। घरों में लगे हुए बिजली के मीटर दो तरह के होते हैं, एक मीटर होता है मेन मीटर और एक होता है जनरल मीटर। मेन मीटर किसे कहा जाता है, जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो जो खंबे से तार को लेकर आते हैं आपके घर तक, तो सबसे पहले उस तार को मेन मीटर में जोड़ा जाता है। ये आपके सामने रहा मेन मीटर, इसमें आप जोड़ देते हैं तार, उसके बाद आपके घर में जो भी बिजली की खपत होती है वो रीडिंग आप इस मीटर में चेक करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपका घर थोड़ा बड़ा बना हुआ है और आपके घर में कुछ किराएदार भी रहते हैं या फिर कुछ और लोग भी रहते हैं और आपको उन लोगों को भी बिजली का कनेक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे, तब आप मेन मीटर से तार को लेकर जाएंगे, जनरल मीटर में जोड़ देंगे और जनरल मीटर के आगे से तार निकालेंगे, वो लोग जो बिजली की खपत करेंगे उसे आप जनरल मीटर में उसकी रीडिंग को चेक करेंगे कि आपके किराएदार ने कितनी बिजली की खपत करी है, और फाइनली आपके पूरे घर में बिजली का कितनी खपत हुई है, आपने कितनी खपत करी, आपके किराएदार ने कितनी खपत करी है, टोटल आपको अगर रीडिंग निकालनी है तो आपको मेन मीटर को देखना पड़ेगा। सिर्फ आपको अगर आपने किराएदार के मीटर की रीडिंग देखनी है तो आपको जनरल मीटर को चेक करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम जनरल मीटर को देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग किस तरह से देखी जाती है। सबसे पहले आपके सामने जनरल मीटर है और जनरल मीटर की रीडिंग है और इस रीडिंग में लिखा हुआ है 020818, लास्ट में 8 है। जब भी आप जनरल मीटर को देखें तो सिर्फ एक बात को ये ध्यान रखें कि इसका जो लास्ट वाला नंबर होता है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, उसे आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आपको नहीं देखना है। इसका मतलब आपके मीटर में क्या रीडिंग लिखी हुई है, 02081, बस यहाँ तक आपको इस रीडिंग को नोट करना है। इसे नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये रीडिंग हमने किसी भी महीने की 1 तारीख को नोट की थी, अब हमने 1 महीने के बाद फिर से अपने जनरल मीटर को चेक किया तो उसमें रीडिंग लिखी हुई थी 02210 और लास्ट में 2 लिखा है ऊपर और नीचे 3 धीरे से आ रहा है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जनरल मीटर को जब भी आप चेक करें तो सबसे लास्ट वाले डिजिट को आपको चेक करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1 महीने के बाद क्या रीडिंग आपको देखने को मिली, 02210, ये रीडिंग आपने देखी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा पूरे 1 महीने में कितने यूनिट बिजली की खपत हुई है, तो आपने 1 महीने के बाद जो रीडिंग को चेक किया वो रीडिंग कुछ बढ़ चुकी थी पहले वाली रीडिंग से, क्योंकि पहले कुछ रीडिंग थी और 1 महीने के बाद हमने बिजली की कुछ खपत की तो 1 महीने के बाद कुछ रीडिंग बढ़ गई। तो जो बढ़ी हुई रीडिंग है, ज़्यादा रीडिंग है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ऊपर लिखना है। तो टोटल क्या यूनिट है, 2210 ये रीडिंग है और इससे पहले 0 है, 0 का कोई मतलब होता नहीं इसलिए हमने उसे लिखा नहीं। और 1 महीने पहले हमने जो रीडिंग को चेक किया था वो कितनी थी, 2081 ये रीडिंग थी, यानी कि जो पहले यूनिट हमने देखी थी उसे नीचे लिखना है और जो 1 महीने के बाद हमने रीडिंग को चेक किया उसे ऊपर लिखना है, यानी ज़्यादा वाला नंबर ऊपर, कम वाला नंबर नीचे लिखना है, लाइन खींचना है और सिंपली इसको माइनस करना है, घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो घटा लीजिए, यहाँ 10 में से 1 गया बचा कितना, 9, यहाँ पे 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ 1 बचा, यानी कि आपको पता चल गया कि 1 महीने के बाद आपके घर में 129 यूनिट बिजली की खपत हुई है। अब 129 यूनिट निकल कर आ गया, अब आप अपने किराएदार से कितने पैसे लेंगे ये कैसे पता करें, 129 यूनिट तो आपको पता चल गया, अब आप 1 यूनिट का कै रुपए लेते हैं ये आपको मालूम होगा। अगर 5 रुपये यूनिट है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 रुपये यूनिट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
7 रुपए यूनिट है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम मान ले रहे हैं कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है वहां पर एक यूनिट का प्राइस 5 रुपए है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ हमने मान लिया है कि 5 रुपए पर यूनिट का प्राइस है, इसलिए हमने 129 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 2 10 और 4 14 की 4 हासिल लगी है, 5 एकम 5 और 1 6। यानी कि आपको पता चल गया कि 645 रुपये आपको अपने किराएदार से लेने हैं, उसने 129 यूनिट की खपत की और 5 रुपये पर यूनिट का प्राइस है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 645 रुपये आ गया। अब मान लीजिए कि आपको बिल्कुल ये भी नहीं पता है कि एक यूनिट का प्राइस आप कितना लें, ये नहीं मालूम है आपको, तो कैसे आप पता करेंगे, तो आप जनरल मीटर, वो मेन मीटर जो होता है, वो आपके घर में बिजली के मीटर चेक करने वाले लोग आते हैं, उसे चेक करके आपको एक रसीद निकाल कर देते हैं लंबी सी, उसमें आप देखिएगा तो 1 महीने का टोटल यूनिट आपको लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए टोटल यूनिट उसमें 129 लिखा हो और प्राइस 645 लिखा हो, या फिर हो सकता है 700 लिखा हो, 800 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो टोटल प्राइस जो लिखा होगा, मान लीजिए ये प्राइस लिखा है, उसके बाद यहाँ पे आप एक्स मान लीजिए, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि एक यूनिट का प्राइस कितना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कोई भी चीज होती है तो उसको बराबर के उधर ले जाके बटे में लिख देते हैं, यानी कि 645 बटे 129 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 645 को 129 से जब डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का प्राइस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 की जगह आप एक्स रख दीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा, तो आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी रसीद में यहाँ पे कुछ और नंबर लिखा होगा, जो लिखा होगा वो यहाँ लिखिएगा, बटे करके जो भी टोटल यूनिट हो वो यहाँ नीचे लिखिएगा, टोटल पैसे को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 129 है, हमने इसको एक्स मान लिया, 5 को बराबर करा, यहाँ 645 बटे ये टोटल नंबर इसके नीचे आ जाएगा 129, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 5 निकल कर आएगा, तो आपको पता चल गया 5 रुपये यूनिट है। लेकिन मान लीजिए आपके उस रसीद में लिखा होगा 700 रुपये, 800 रुपये, तो वो टोटल नंबर यहाँ ऊपर लिखिएगा और टोटल यूनिट जो आया हो नीचे लिखिएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक यूनिट का प्राइस पता चल जाएगा। तो इस तरह से जनरल मीटर देखा जाता है, और जनरल मीटर का इस तरह से यूनिट निकाला जाता है, इस तरह से प्राइस निकाला जाता है, पर यूनिट का प्राइस आप मेन मीटर को चेक करके ही निकालेंगे। तो अगर आपको जनरल मीटर का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने मेन मीटर की तरफ और उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपके सामने मेन मीटर है और मेन मीटर में बहुत सारी चीजें लिख कर आती हैं, कभी डेट लिख कर आता है तो कभी टाइम, कभी रीडिंग, कभी मीटर का लोड कितना है, बहुत सारी चीजें मेन मीटर में लिख कर आती हैं, मगर हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी रीडिंग को हमें नोट करना है। तो जब भी आप मेन मीटर की रीडिंग को नोट करें तो आप ऐसे नंबर को ढूंढें या 2 मिनट देखते रहे मेन मीटर को, उसमें कोई ऐसा नंबर लिख कर आएगा जिसके साथ में KWH ये भी लिख कर आएगा। के का मतलब होता है किलो, डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, और एच का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा, यानी किलो वाट घंटा या किलो वाट आवर, इसका मतलब ये होता है। तो जिस नंबर के साथ में KWH लिख कर आए तो समझ जाइए आपकी यही आपकी रीडिंग है और इसे आपको नोट करना है। मान लीजिए कि हमने किसी भी महीने की 1 तारीख को ये रीडिंग चेक करी तो हमने मीटर में देखा उसमें रीडिंग लिखी हुई थी 020481, यानी कि 020481 ये रीडिंग लिखी हुई थी। लेकिन मेन मीटर को देखते समय आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसके किसी भी नंबर को आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे नंबर को नोट करना है। लेकिन आप मैथ के स्टूडेंट हैं और मुझे इतनी सहज लगता है कि आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी भी नंबर के सबसे शुरू में अगर 0 हो तो उसे आप नोट करिए चाहे ना करिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब आप मेन मीटर में जब भी आप देखेंगे तो आपको उस नंबर के साथ में KWH लिखा होना चाहिए और सारे नंबर को नोट करना है। तो हमारे मीटर की रीडिंग में लिखा हुआ है 020481 और सबसे शुरू में 0 है तो हमें उसे नोट करना नहीं है, तो हमें नोट करना है 20481, ये रीडिंग हमने नोट कर ली किसी भी महीने की 1 तारीख को मान लीजिए। अब हम 1 महीने के बाद फिर से अपने मेन मीटर को चेक करते हैं और उसमें रीडिंग को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था 020504। ठीक है, तो आपको सारे के सारे नंबर देखने हैं, मेन मीटर में आपको किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, और सबसे शुरू में अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब 1 महीने के बाद जो रीडिंग थी वो थी 20504।
अब आप कैसे निकालेंगे कि कितने यूनिट की खपत हुई, यानी कितने यूनिट एक महीने में खर्च हुए हैं। तो एक महीने के बाद क्या रीडिंग थी, 20504। आप यहाँ लिखेंगे 20504, ठीक है, ये हमने लिख लिया एक महीने के बाद वाली रीडिंग। और एक महीने से पहले कितनी रीडिंग थी, 20481, वो हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि कम वाले नंबर को नीचे लिखना है, ज्यादा वाले नंबर को ऊपर लिखना है, तभी तो आप इसमें से घटाएंगे, इस नंबर को हमें माइनस करना है। तो एक महीने पहले की रीडिंग, एक महीने के बाद की रीडिंग ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे, और आपको पता चल जाएगा इतने यूनिट खर्च हुए हैं एक महीने में। तो 4 में से 1 गया तो बचा 3, यहाँ 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, यानी कि टोटल 23 यूनिट का ही खर्च हुआ है एक महीने में। अब मान लीजिए कि 5 रुपये पर यूनिट का प्राइस है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 दुना 10 और 1 11, यानी कि एक महीने में 115 रुपये आपका बिजली का बिल आया है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको पर यूनिट का प्राइस नहीं मालूम है, तो आप मेन मीटर की जो रसीद आती है बिजली वाले जो निकालते हैं, उसमें आप टोटल प्राइस देखेंगे और उसके नीचे टोटल यूनिट निकाल के डिवाइड कर देंगे, या फिर उसमें रसीद में लिखा होता है कि इतने यूनिट खर्च हुई है, तो टोटल पैसों को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट का प्राइस आपको इस तरह से पता चल जाएगा। तो मेन मीटर को इस तरह से देखा जाता है। मेन मीटर में एक चीज और समझने वाली है, उसे भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि मेन मीटर आपके घर में जो लगा हुआ है वो कितने किलोवाट का है, या फिर कितने किलोवाट का होना चाहिए, ये आप कैसे समझेंगे। तो मेन मीटर में आप देखेंगे कि आपके घर की जो बिजली खपत हो रही है वो कितना लोड ले रहा है मीटर, तो आपको वो रीडिंग इस तरह से दिखाई देगी कि कोई नंबर आप देखेंगे तो उसमें आपको 01.70 के साथ में के डब्ल्यू इस तरह से दिखाई देगा, यानी कोई नंबर होगा और उसके साथ में के डब्ल्यू लिखा होगा, के मतलब किलो, डब्ल्यू मतलब वाट, तो इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपके घर में जो बिजली की खपत हो रही है वो मीटर लोड कितना ले रहा है, 1 किलो और 700 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 2 किलो से कम का खपत हो रही है, 2 किलो से कम का लोड ले रहा है मीटर, यानी कि आपके घर में जो मीटर होना चाहिए वो 2 किलो वाट का होना चाहिए। 1 किलो वाट का लगाएंगे तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि 1 किलो वाट से ज़्यादा का खपत हो रही है, 0.7 इतना ज़्यादा खपत हो रही है, यानी 1 किलो वाट से ज़्यादा खपत हो रही है, तो आप 2 किलो वाट का मीटर लगवाइए, आपके पास नोटिस आ जाएगा, या फिर आप इस तरह से देख के भी समझ सकते हैं। लेकिन आप इस रीडिंग को कब चेक करेंगे, आप जाड़े के मौसम में चेक करेंगे, ठंडी के मौसम में तो ये आपको कम दिखाई देगा, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब आप चेक करेंगे तो घरों में एसी भी चलती है, फ्रिज भी चलती है, जो भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गर्मी के मौसम में, तो ज़्यादा खपत बिजली की होती है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में आप चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे 2.3 लिखा हो, या कुछ 4 लिखा हो, जितना भी लिखा होगा, या 2 पॉइंट में अगर कुछ लिखा है तो जितना भी लिखा है, मान लीजिए 2.3 लिखा है, तो इसका मतलब आपको 3 किलोवाट के मीटर को लगवाने की ज़रूरत है। ये मान लीजिए 2.3 हमने गर्मी में चेक किया तो 2.3 आ रहा था, तो हमें इसका मतलब 3 किलोवाट के मीटर को लगवाने की ज़रूरत है। और ये रीडिंग मान लीजिए हमने ठंडी के मौसम में चेक करी थी, तो ठंडी के मौसम में भाई कम रहता है, कम एसी नहीं चलती है, पंखा नहीं चलता है, कूलर नहीं चलता है, इसलिए कम लोड दिखाता है। तो आपको जब जब सबसे ज़्यादा जब लोड लेता है आपका मीटर, उस समय आपको मीटर को देखना है और उसके साथ में के डब्ल्यू लिखा होना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा 2.3 किलोवाट का मीटर लोड ले रहा है, इसका मतलब 2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड ले रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में मीटर 3 किलोवाट का होना चाहिए, या 3 किलोवाट से कम लगवाएंगे 2 किलोवाट का और इससे ज़्यादा लोड ले रहा है, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा वहाँ से बिजली विभाग से, और आपको कहा जाएगा कि आप अपने लोड को बढ़वाइए, 3 किलोवाट का मीटर लगवा लीजिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमें कितने किलोवाट का मीटर लगवाना चाहिए, या हमारे घर में कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है। तो अब आपके सामने एक गाड़ी का मीटर है और इसमें रीडिंग लिखी हुई है 211629, और ये एक जनरल टाइप का मीटर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी जनरल मीटर हो और उसके लास्ट वाले डिजिट को नहीं देखा जाता है, ये आपको समझ में आ गई है बात, यानी कि इसमें लिखा हुआ है 211629 और इसका लास्ट वाला डिजिट है 9, तो हमें 9 नंबर को नहीं देखना है, तो इसकी रीडिंग हमें कितनी नोट करनी है, 21162। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी 21162 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक।
अब आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है या कितने का एवरेज देती है। तो आप इस रीडिंग को नोट करके रख लीजिए, 21,162। लास्ट में 9 लिखा है, उसे हमें नोट नहीं करना है। हमने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, उसके बाद कुछ दूरी चली और उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। फिर हमने रीडिंग को चेक किया, तो मान लीजिए कि रीडिंग उसमें लिखी होगी 21,200, मान लीजिए कि लिखा होगा ऐसा। तो आप जो बाद में आपने रीडिंग को नोट किया है वो ज़्यादा है, उसमें से पहले वाली रीडिंग को आप घटा दीजिए। तो 21,200 माइनस 21,162 घटाएंगे तो आपके सामने 38 लिख कर आ जाएगा। तो 38 आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 38 किलोमीटर चली, या फिर आपकी गाड़ी 38 का एवरेज दे रही है। इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। और ये कैसे आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, कितनी रफ्तार से चल रही है, ये कैसे आप चेक करेंगे? तो गाड़ी की सुई अभी खड़ी हुई है गाड़ी, इसलिए आप गाड़ी की सुई देखेंगे तो वो जीरो पर है, यानी कि खड़ी है गाड़ी। जब गाड़ी चलने लगेगी, मान लीजिए कुछ स्पीड में गाड़ी चल रही है और वो सुई 40 के तरफ इंडिकेट करने लगे, 40 की तरफ दिखाने लगे, 40 के तरफ, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी अभी इस वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और अगर आप कंटिन्यू इसी स्पीड से गाड़ी चलाते रहेंगे तो आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे, यानी 40 किलोमीटर तक चले जाएंगे। तो इस तरह से गाड़ी के मीटर को देखा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।